विद पीहू प्रीति। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त ही होंगे, अच्छे ही होंगे। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को ढेर सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप सभी ने मेरे बेडरूम मेकओवर के वीडियो को इतना प्यार दिया, थैंक यू वेरी मच। अब बढ़ते हैं आज की वीडियो पे। आज मैं अपने घर के उस पार्ट का मेकओवर करने वाली हूँ जो पार्ट मैंने देखा है मोस्टली लोग इग्नोर करते हैं, जबकि वो पार्ट आपके घर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आपको अपने लिविंग रूम, किचन और बेडरूम के जैसे उस एरिया को भी उतना ही इम्पोर्टेंस और उतना ही डेकोरेशन करना चाहिए जितना कि आप अपने बाकी घर को करते हैं। वो एरिया क्या है? वो है पैसेज, हमारा गैलरी, जो हमारे एक कमरे को दूसरे कमरे से कनेक्ट करता है। तो वो एरिया भी सुंदर दिखना चाहिए, है ना? तो आज मैं अपने इसका गैलरी का मेकओवर करने जा रही हूँ। तो आइए देखिए कि मैंने किस तरीके से गैलरी का मेकओवर किया है, उसके लिए क्या क्या DIYs किए हैं जो कि आपको बनाना बहुत ही आसान है और आपको बहुत हेल्प करेंगे अपने गैलरी को सजाने में। बाहर से ज्यादा चीजें परचेस करने की जरूरत नहीं है, खुद बनाइए, खुद सजाइए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये है मेरा पैसेज जो कि मेरे ड्राइंग रूम से बिल्कुल लगा हुआ है। सामने मेरा बेडरूम है, राइट हैंड साइड में किचन है, लेफ्ट हैंड साइड में एक और बेडरूम है। मैंने भी अपने पैसेज को बिल्कुल भी सजाया नहीं है। एज यू नो कि मैं रेंट पे रहती हूँ, तो मैंने अभी तक यहाँ पर कोई भी ऐसा चीज़ किया नहीं है। बट अब मैं चाहती हूँ कि बाकी घर की तरह ये एरिया भी सुंदर हो जाए, सज जाए। मैं यहाँ कोई फर्निशिंग का काम करने वाली नहीं हूँ, जस्ट मैं कुछ DIYs और कुछ प्लांट्स और ये सारी चीज़ों से मैं इसका मेकओवर करने वाली हूँ। आप इसको देखिए आगे कि क्या चेंजेस आते हैं आफ्टर मेकओवर। वॉल इसकी थोड़ी सी खराब हो चुकी है, तो हम सबसे पहले इसकी पेंटिंग से ही वीडियो स्टार्ट करेंगे। पेंटिंग हम खुद ही करने वाले हैं। सबसे पहले हम वो जो दीवार खराब है उसमें वॉल पुट्टी लगाएंगे, उसके बाद पेंट करेंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आइए अब मैं अपने पैसेज का मेकओवर शुरू करने जा रही हूँ। सबसे पहले मेरा ये देखिए, ये पुराना की होल्डर था जिसे मैंने निकाल दिया है, उसकी जगह पर मैंने ये की होल्डर बनाया है। इसे बनाने के लिए मैंने दो लकड़ी के प्लैंक लिए हैं जिसपे ऊपर से मैंने इसको हाफ सर्कल कट किया हुआ है। ये सारे जो DIYs हैं इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको इसकी सारी मेकिंग अच्छे से दिखेगी, डिटेलिंग आप इसकी देख सकते हो। आज के वीडियो में हम सिर्फ चीजों को प्लेस करने वाले, अदरवाइज वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो चलिए पहले इसको लगाते हैं। वाला शेल्फ बनाया है, यहाँ मैं इसको लगाने जा रही हूँ ताकि इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे वॉश बेसिन के पास के जो जितने भी सामान होते हैं जो हम यूज करते हैं वो मैं इस पे रख सकूँ। इस DIY के लिए मैंने दो लकड़ी के प्लैंक लिए हैं जिनके अंदर मैं मैक्रमे थ्रेड से इसको अच्छे से बांध करके दोनों को डबल लेयर का मैं शेल्फ बनाने वाली हूँ ताकि इसके ऊपर मैं अपने वॉश बेसिन के पास यूज होने वाली चीजों को रख सकूं। आईना है मेरा चेहरा, लेकिन ये आईना बहुत पुराना है। सोच रही हूँ इसको भी नया लुक दे दूँ, पैसेज के मेकओवर के साथ साथ मिरर का भी मेकओवर होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले इसके बॉर्डर को रेड कलर से पेंट करूंगी और बाकी चीज आप वीडियो में देखिए। मैंने शीशे को कलर कर लिया है। पहले मैंने सोचा था रेड कलर करूंगी, बट मुझे रेड कलर थोड़ा ठीक नहीं लगा, इसके लिए मैंने इसको ग्रीन कलर में किया है। इसके बॉर्डर को डेकोरेट करने के लिए मैंने मैक्रमे थ्रेड से ये ब्रेड बनाई है अच्छे से, और इसको मैं अंदर के साइड में भी और बाहर के साइड में दोनों साइड में मैंने सेम तरीके से चोटी करके इसमें लगा दिया है। और ये देखिए इसका फाइनल लुक। मुझे प्लांट्स का बहुत शौक है, तो मैं ज्यादातर अपने घर के कॉर्नर में प्लांट्स लगाती हूँ, तो पैसेज में भी मैंने सोचा कि प्लांट रहे, हरा भरा ग्रीन ग्रीन दिखे। ये दोनों है मेरे फेवरेट, पहले ये मेरे किचन में थे, बट मैंने जहाँ पे ये थे वहां पर मैंने एक कॉफी स्टैंड बनाया, तो इनको मैंने शिफ्ट कर दिया था, आज इनकी बारी है यहाँ पे।
एक और मेरा DIY है, ये मैंने जूट रोप और कार्डबोर्ड से बनाया है। इसका भी वीडियो मैं बहुत ज्यादा अपलोड करूंगी, सारे वीडियो एक्चुअली मैं अपलोड करूंगी, आप वहां देखिएगा इसको। इसे बनाना बहुत ही आसान है। मैंने कार्डबोर्ड लिया है और उसके बीच में जूट रोप को राउंड राउंड स्टिक किया है और उसमें थोड़ा सा अच्छे से फ्री हैंड डिजाइन बना करके आप कोई भी अपनी मर्जी का डिजाइन बनाइए, उसको कलरफुल कलर करिए। आइए इसको फिक्स करते हैं। ये मेरा एक और DIY है जिसको मैंने कार्डबोर्ड और वॉल पुट्टी से बनाया है। इस DIY के लिए हमें कार्डबोर्ड, वॉल पुट्टी और थोड़े कलरफुल चीजें चाहिए। पूरा वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाली हूँ, वहाँ से आप इसके होल मेकिंग प्रोसेस को देख लीजिएगा। बहुत जल्द मैं सारे DIYs के वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। इसको मैं ऊपर फिक्स करने वाली हूँ, किचन के डोर के ऊपर। एक ये भी हैंगिंग प्लांटर बनाया है, इसका वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, आप चाहे तो इसे वहां से देख सकते हैं। ये मेरी फोटो है, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, मेरी बेटी है। इसको मैं लगाने जा रही हूँ अपने बेडरूम की वॉल के जस्ट ऊपर, जहाँ पे उसका डोर है, डोर की वॉल के ऊपर। ये मेरे पैसेज की मेन वॉल है और जस्ट वहां से मेरे घर में एंट्री होती है, जहां से ये वॉल दिखती है। तो इस वॉल को डेकोरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैंने कुछ DIYs भी बनाए हैं और कुछ चीजें मेरे पास पहले से हैं। तो अब इस दीवार को डेकोरेट करने की बारी है। ये एक मेरा फेवरेट DIY है, ये मैंने ग्रास मैट से बनाया है और मैक्रमे थ्रेड भी इसमें यूज किया है इसके बॉर्डर में, और ये मुझे बहुत पसंद है। इस ब्यूटीफुल DIY के लिए मैंने एक वुडन प्लैंक पे ग्रास मैट को नेल्स की हेल्प से फिक्स किया है और उसके साइड की बॉर्डर के लिए मैंने यूज़ किया है मैक्रमे थ्रेड्स, जिसके हेल्प से मैंने इसके बॉर्डर को एक अच्छा सा लुक दिया है और ये झटपट बन गया। ये पीहू ने बनाया है, ये कैनवस पेंटिंग पीहू ने की है, ये कैनवस पेंटिंग भी पीहू ने की है, इसे भी लगाते हैं। पैसेज में लगाने के लिए मैंने ये एक ऑनलाइन वुडन स्टैंड मंगाया है, देखती हूँ खोल के। मैंने इसको डेकोरेट करने के लिए छोटे प्लांट्स रखे हैं ताकि आने जाने में प्रॉब्लम ना हो। ये सारे पॉट पीहू ने कलर किए हैं, ये जितने भी आप पॉट देख रहे हैं ये पुराने हो गए थे, इसको पीहू ने पेंट किया है अच्छे से। ये दोनों पॉट स्टैंड भी मैंने ऑनलाइन लिया है, इसको मैं यहाँ और एक यहाँ लगाने वाली हूँ। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, साइज भी परफेक्ट है मेरे पैसेज के हिसाब से, और इसके अंदर जो भी प्लांट अच्छे से इसके अंदर आ जाए वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। इस टूथब्रश होल्डर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। ऐड करते हैं फ्लोर मैट। Thank you.
आई होप आपको आज का मेकओवर पसंद आया होगा, DIYs पसंद आए होंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कौन सा DIY आपको सबसे अच्छा लगा, और अगर मेरे किसी वीडियोस ने, किसी मेकओवर ने आपको इंस्पायर्ड किया है अपने घर को सजाने में, और अगर आप इससे इंस्पायर्ड होकर अपने घर को सजाते हैं तो प्लीज़ वो फ़ोटोज़ या वीडियोज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे आप सबके कॉमेंट्स का हमेशा इंतज़ार रहता है। आप वीडियो देखिए तो उसके साथ में लाइक बटन को ज़रूर क्लिक कीजिए, आपका एक एक लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो मिलती हूँ बहुत जल्द मेरे किसी और वीडियोज़ में किसी और एरिया के मेकओवर के साथ, तब तक के लिए बाय।